बैठे रहे हो। हेलो यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा, आप सभी का इस ब्लॉग में देहरादून वालों का स्वागत करता हूँ। तो देहरादून में एक मजदूर ने अपना काफ़ी बढ़िया सा चूल्हा बना रखा है, तो मैं चूल्हा दिखा रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया सा चूल्हा लगा मुझे, और काफ़ी जो चूल्हा है चूल्हे में ही मेरे ख्याल से रोटियाँ इसी में बनाता हूँ, तो रोटियाँ इसी में बनाता है ये। कैसे हो भाई जी? बढ़िया। तो काफ़ी बढ़िया सा चूल्हा बना रखा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मिट्टी से ये लेपा हुआ है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो और काफ़ी बढ़िया सा उसने बरसाती का यूज़ करा हुआ है, जो बरसाती है काफ़ी बढ़िया तरीके से बरसाती है, जिस तरह से उसने ईंटें लगा रखी हैं इसमें, और ईंटें लगाने के बाद में बरसाती बीच में से यूँ डाली हुई है। तो बरसाती डाली हुई, तो बारिश होती है तो पानी नहीं आता होगा थोड़ा भी, क्योंकि यूँ करके ऊँचा है मैं, है ना। तो बारिश होती है तो पानी नहीं आता है, काफ़ी बढ़िया सा करा हुआ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो किसी समय भी बारिश आ जाती है, तो किसी समय बारिश नहीं आती क्योंकि यूँ ऊँचे में होगा ना, तो पानी नीचे आ जाता होगा, और तब तक खाना बन जाता है जब तक बारिश आती है। और अगर जैसे बारिश आ गई, दिन में भी बारिश आ जाती है, तब भी खाना में दिक्कत तो नहीं होती। तो छोटा सिलेंडर रखा हुआ, तो छोटा सिलेंडर रखा हुआ है इन्होंने, जो भी छोटा सिलेंडर भरता है, तो छोटा सिलेंडर भरता है तो कहाँ से भरते हैं? दूर जाना पड़ता है, तो दूर जाना पड़ता है इनको छोटा सिलेंडर। मेरे ख्याल से सेंसधारा के पहले आते हैं, सेंसधारा रोड से वापस आते हुए जब मैं आता था, सेंसधारा रोड से वापस आता था तो उसके नदी एक सामने पे, उस नदी के सामने पे बहुत सारी जगहों पे छोटे सिलेंडर भरे जाते हैं, तो उतनी दूर से होगा, वहीं से भरते हैं, तो वहाँ से भरते हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं, सारी विक्रम चलते रहते हैं उस रोड पर, यहाँ से पूरे A to Z विक्रम चलते रहते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है कि वो उसमें बचपन में जब मैं दिल्ली में था, तो मैं भी छोटे सिलेंडर में ही खाना बनाता था, तो दिल्ली में मैं भी छोटे सिलेंडर में खाना बनाता था, गुड़गांव में मुझे छोटे सिलेंडर में ही खाना बनाता था, तो सही था। तो मैं और मेरे दोस्त रहते थे वहाँ पर, जिनका नाम मेरे ख्याल से उत्तराखंड के एक मंत्री है, पुष्कर सिंह नाम ही, तो मेरे दोस्त का नाम भी पुष्कर था, तो पुष्कर और मैं साथ में रहते थे, तो खाना बनाते रहते थे हम दोनों भी साथ में। तो ऐसे डेढ़ साल मैंने भी वहाँ पर डेढ़ साल गुजारा है, ऐसी काम काज करके, गरीबी में इनकी तरह से थोड़ा अलग था मेरा, तो मुझे भी अच्छी आमदनी हो जाती थी मेरी दिल्ली में, फैक्ट्री में काम करता था मैं, लेकिन छोटा सिलेंडर ही खरीद पाते थे। छोटा सिलेंडर कितने का आता है? 500-300 रुपए का आता था उस समय, भरवाते थे 100 रुपए का भी भर जाता है, 50 रुपए का भी भर जाता है ना, अपने अपने हिसाब से भर देते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 200 रुपए की गैस आती है, उससे ज़्यादा की नहीं भरती हो, उसमें खाना बन जाता है और काफ़ी बढ़िया रहता है। और इस तरह का घर है, बहुत प्यारा सा घर बना रखा है, तो लकड़ियाँ हैं काफ़ी बढ़िया सी, और हमारे यहाँ पर तो बहुत बढ़िया है कि ये लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो ये लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, इनसे बहुत बढ़िया सा खाना बन, लकड़ियों की सुविधा है यहाँ पर। तो ये बोल इस जंगल में बनाते हो, लेके आते हो लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ आसानी से लेके आ जाते होंगे, पहले यहाँ सभी लोग अपनी बाड़ बूड पे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए बढ़िया है कि लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो हम भी जब मैं पहाड़ में रहता था, तो हमारे वहाँ भी लकड़ियाँ ऐसी करके लेके आते थे, वहाँ भी आसानी से लकड़ी मिल जाती है, यहाँ पर भी आसानी से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, तो घर ऐसे ही होता है, जैसे बढ़िया सा डिज़ाइन दे रखा हो वहाँ पर, बहुत प्यारा सा घर है, उसमें उसने बरसाती ऐसे करके करी हुई है, बढ़िया बरसाती है। तो जो ये मज़दूर है, इसने काफ़ी बढ़िया सा अपना एक घर बना रखा है, तो काफ़ी बढ़िया घर है, तो ज़्यादा मिट्टी मिल जाए उसे, तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेप देगा, मिट्टी और गोबर से लेपते हैं, तो गोबर भी मिल जाता है यहाँ पर, बहुत गोबर होता है, वैसे मेरे ख्याल से गोबर से नहीं, मिट्टी से लेपते हैं, क्योंकि गोबर मंगवाना पड़ेगा, वो राजपुर रोड में गोबर का वो रहता है, या कहीं पे मैंने देखा गोबर रहता है,
तो गोबर और मिट्टी से लेपते हैं ऐसे करके बढ़िया से, तो काफ़ी बढ़िया से दिखता है। तो मैं बता दूंगा उन्हें कि ऐसे लेप लेना, वैसे पता ही होगा उनको, गोबर नहीं मिला होगा तो उन्होंने मिट्टी मिट्टी से काफ़ी बढ़िया से लेपा हुआ है। और वही बोल, शनि भगवान का एक छोटा सा वो भी लगा रखा है यहाँ पर, जिससे कि इनके घर पे बुरी नज़र ना लगे, तो शनि भगवान का भी काफ़ी बढ़िया सा लगा रखा है, तो करा हुआ है इन्होंने बढ़िया सा, तो काफ़ी बढ़िया सा है। तो जैसे ये वाली मिट्टी है ना, तो इस पे थोड़ा सा जो गोबर होता है ना, कहीं पे गोबर मिलेगा, तो यहाँ पर गोबर ले करके, अब पता होगा तुम्हारे पापा को मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो गोबर ले करके बहुत सारा गोबर मिट्टी करके उस साइड पे भी ले दिया ना, तो वो छूटता नहीं है, जैसे ये छूट सकता है, मिट्टी होती है ना छूटती है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी छूट जाती है, क्योंकि ये मिट्टी दूसरी है और हमारे वहाँ दूसरी मिट्टी होती है वो चिपकती है, तो वो बहुत दिन तक चिपकती भी रहती है, लेकिन ये वाली मिट्टी छूटती है, इसमें चिपकाऊपन कम है, तो इसमें गोबर मिलाना, तो गोबर मिला करके पूरा वो हो जाएगा, जैसे कहीं से गौमूत्र मिल जाए ना, उससे यूँ बना करके चेप देना, बढ़िया है। चूल्हे में तो तो हाँ, चिपक हुआ। चूल्हे में तो बना रखा है, बहुत बढ़िया चूल्हा बना रखा है आपने, तो इस साइड वो रखते होंगे, वो बोल क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर, इस साइड पे कढ़ाई रखते होंगे रोटी कढ़ाई, फिर उस साइड तवा, इस साइड पे रोटी से बनाते होंगे, तो काफ़ी बढ़िया सा है। और ठीक है, हाँ अच्छा, तो पढ़ते भी हो? अच्छा, तो मजदूर बनोगे आगे चल के, मकान मकान बनाओगे, तो बढ़िया है, लड़का की अच्छी सोच है कि मकान मकान बनाएगा, क्योंकि मकान बना, पढ़ के भी मकान ही बनाते हैं लोग, पढ़ के भी मकान ही बनाते हैं, और बिना पढ़े हुए मकान बनाना सीख जाएगा। पापा के साथ में मतलब ध्यान देता हूँ काम काज पे, जिससे मैं काम काज पे, तो बढ़िया ही, अपने पापा के साथ में काम काज पे ध्यान देता रहता है, तो अच्छा कमा लेगा, मजदूर की दिहाड़ी वैसे भी 500 रुपये तो रहती है, तो इतनी ही है, बढ़ गई, अब बढ़ गई होगी, अब नहीं बढ़ी, क्या मजदूरों की दिहाड़ी होती है ना जो, 500 रुपये ही है या बढ़ गई? 500 ही है ना, तो 500 रुपये दिहाड़ी ही है, तो अभी बढ़ी नहीं है, एक एक लेबर की तनख्वाह 500 रुपये है, तो ठीक है, उसमें 100 रुपये का तो मीट आ जाता होगा, 100 रुपये का है, अच्छा तो 100 रुपये का मीट आ जाता है, तो बढ़िया है। और बाकी खाना खुना बढ़िया से खाते हैं, तो ठीक है, तो आप सभी भी कोशिश करें कि अगर आपके लड़के पढ़ते ना हो, तो उनको कहीं मजदूरी का कामकाज हो रहा हो तो वहाँ पर भेज सकते हैं कामकाज सीखने के लिए, तो कामकाज सीखते हुए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, दिमाग में मुश्किल आएगा कि नहीं सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, फिर आगे चल के आप लोग मकान बनाना सीख जाएंगे, तो आपको पता है मकान बनाना काफ़ी बढ़िया सा है, तो सही है, अगर आपके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो उनको मज़दूर जहाँ पर काम काज कर रहे हों वहाँ पर भेज दें, और उनसे थोड़ा काम काज करते हुए किसी समय फ्री में काम काज करा, 100-200 रुपये वहाँ पर जो वही बोल मुंशी आता है, तो मुंशी आएगा तो 100-200 रुपये बाद में शाम को दे ही देगा, जब देखता रहेगा वो कुछ काम काज करता रह रहा है, तो इतने मुंशी के पास रहते ही हैं रुपये, तो मुंशी ही रहता है, वो 50-100 रुपये 200 रुपये दे ही देगा, कोई ऐसा थोड़ा बहुत मदद करता है, जैसे चार वही बोल 5 घंटे के लिए मदद करता है किसी मजदूर के साथ में लग करके, तो 200 रुपये उसे भी मिल ही जाते हैं, तो बढ़िया है, और फिर काम काज सीख ही जाएगा वो बोल 1 साल में, तो बढ़िया है और काफ़ी सही है, तो मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा